हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद शगनोरडा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एडवर्ड कमाऊ ब्रैथवेट की फेमस पोएम टिजिक की समरी हिंदी में लेकर आया हूं, जिसकी डिमांड आप में से कुछ फ्रेंड्स ने की थी। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस राइटर के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, एडवर्ड कमाऊ ब्रैथवेट, जिनका बर्थ 11 मई 1930 को हुआ था और इनकी डेथ 4 फरवरी 2020 को हुई है, ये कैरेबियन लिटरेरी कैनन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर माने जाते हैं। इनका जो बर्थ था वो बारबाडोस में हुआ था और इन्होंने 1963 में यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट इंडीज को ज्वाइन किया और वो वहां पर हिस्ट्री डिपार्टमेंट में पढ़ाया करते थे। इसी तरह से ये 1990s के दशक में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में कंपैरेटिव लिटरेचर के प्रोफेसर बने। ब्रैथवेट जो है ये कैरेबियन लिटरेचर में एक सेमिनल बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर माने जाते हैं। इन्होंने हिस्टोरिकल और कल्चरल स्टडीज में बहुत जबरदस्त वर्क किया है। टिजिक जो पोएम है, ये पोएम एक गरीब वेस्ट इंडियन के बारे में है जिसे कि संगीत का बहुत ज्यादा पैशन है, वो संगीत का बहुत ज्यादा दीवाना है और पोइट ने कहा है, ही इज अ स्लेव टू ड्रम्स फ्लूट्स ब्रेव ब्रास एंड रिदम, कि वो ढोलों का, नगाड़ों का, रिदम का और बांसुरी का गुलाम है, यानी कि वो संगीत को बहुत ज्यादा पसंद करता है। He participates with great joy in a carnival marked with festivities, singing, dancing, drum beating and flute playing. तो अब वो बहुत जोर शोर से, बड़ी खुशी से वो एक मेले में भाग लेता है जिसमें त्योहार है, जिसमें गाना है, जिसमें नाच है, जिसमें ढोल ड्रम बजाए जाते हैं, जिसमें फ्लूट प्ले किया जाता है और बड़े जोर शोर से वो इसमें भाग लेता है। His love for music and conviction in it saved him from the thought of his have nothing cottage. ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, have nothing cottage. ये हैव नथिंग कॉटेज मतलब उसका जो घर है उसके अंदर कुछ नहीं है। इनडायरेक्ट वे में ये कहा गया है कि वो बिल्कुल गरीब है, तो उसका जो संगीत के प्रति प्यार है, जो वो जो प्यार है, इसके कारण वो जो गरीबी के थॉट्स हैं वो इनसे बचता है और वो इससे जो रिलेटेड कंसर्न्ड प्रॉब्लम है, कनेक्टेड प्रॉब्लम है, उनसे भी वो बचता है। उसे ही लव द लिम्बो, वेस्ट इंडियन डांस, एक तरह का डांस द लिमो उसको बहुत ज्यादा पसंद करता है, एंड द क्लिप्सो सीजन कैंप, और क्लिप्सो सीजन में जो कैंप लगाए जाते हैं उनको बहुत ज्यादा पसंद करता है। ही ऑलवेज थॉट ऑफ द सिंगिंग स्टार्स ऑफ हिज मेलोडिक हेवन, किच, स्पारो एंड डोगला। ये जो तीन वर्ड है, किच, स्पारो एंड डोगला, ये वहां पे कुछ स्वर्ग है, उनके नाम है। तो वो कहता है कि वो हमेशा इन जो मेलोडिक हेवन है, इनके सिंगिंग स्टार्स के बारे में सोचता रहता है। ड्यूरिंग, ये जो कार्निवल है, मेला ये दो नाइट तक चलता है। ड्यूरिंग द टू नाइट्स ऑफ दिस कार्निवल, इस मेले की दो रातों तक, ही फील हिज स्पिरिट्स सोरिंग, उसे ऐसा फील होता है कि वो बहुत ऊंचा उठ गया, उसकी आत्मा बहुत ऊंची उठ गई है। द पावर ऑफ म्यूजिक लिफ्ट्स हिम टू द गेट्स ऑफ हेवन, जो संगीत की शक्ति है, पावर है, वो उसे स्वर्ग के दरवाजे तक ले गई है। द वेरी अबोड ऑफ गॉड, यानी कि वो संगीत के जरिए भगवान से मिल गया है। ही कंप्लीटली फॉरगेट्स हिज सफरिंग, वो अपने दुख दर्द को बुरी तरह से भूल जाता है, एंड पेन, एंड कुड गेट ऑल दैट ही लॉन्ग्स फॉर, और संगीत के जरिए वो अपने दुख दर्द तकलीफों को भूल जाता है और वो सब कुछ पा लेता है, पाने की सोच लेता है, उसे उसको ऐसा फील होता है कि उसे वो सब कुछ मिल गया है जिसके लिए वो, जिसकी उसको तलाश थी। बाय रेफरिंग टू द कार्निवल सेलिब्रेटेड बाय द पुअर वेस्ट इंडियन, द पोएट इंप्लाइज दैट म्यूजिक वॉज अबोव ऑल थिंग्स इन दिस वर्ल्ड। ये जो इस गरीब वेस्ट इंडियन ने ये जो कार्निवल, ये जो मेला सेलिब्रेट किया है, इस मेले के जरिए पोइट हमें ये बताना चाहता है कि इस दुनिया में सभी चीजों में संगीत सबसे ऊपर है, म्यूजिक सबसे ऊपर है।
बट दिस हैप्पीनेस इज ओनली टेम्पररी इन नेचर, पर ये जो खुशियां हैं ये तो टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। एज द स्पेल ब्रेक्स विद द एंड ऑफ द कार्निवल, जैसे ही मेला खत्म होता है वैसे ही संगीत का जादू टूट जाता है। एंड इट्स अकम्पनिंग फेस्टिविटीज, इसके साथ में जो त्योहार थे, जो सिंगिंग थी, जो डांसिंग थी, वो सब जैसे ही खत्म होती है, he finds himself a slave again, condemned to poverty, confinement, torture and racial abuse. जैसे ये सब कुछ खत्म होता है वैसे ही ये गरीब वेस्ट इंडियन क्या देखता है कि वो तो गरीबी में फंसा हुआ है, वो कन्फाइन हो चुका है, उसको टॉर्चर किया जाता है, उसको रेशियल एब्यूज किया जाता है, उसको ये सब बातें वो देखता है। जब दो दिन तक मेला चलता है, दो रात तक मेला चलता है, उन दो रातों में वो सब कुछ भूल जाता है, लेकिन मेला खत्म होने के बाद उसे सब कुछ ध्यान आता है। द टाइटल सिंबोलिकली रिवेल्स द एग्रीगेटेड एंड कंफ्यूज माइंड्स ऑफ द पुअर इनहेबिटेंट्स ऑफ वेस्ट इंडीज। ये जो टाइटल है ना, इस पोएम का जो टाइटल है वो एक सिंबल है जो हमें ये बताता है कि वेस्ट इंडीज के जो गरीब रहने वाले हैं उनका जो माइंड है वो कितना ज्यादा टेंस है, कितना ज्यादा कंफ्यूज्ड है। सो आई होप फ्रेंड्स आपको अब ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसका जो टेक्स्ट है वो ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, कहीं से मुझे कुछ बुक्स में से ढूंढकर ये समरी मिली है। तो आई होप आपको ये पोएम अब अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट्स ले सके। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।